आओ चले देश का ख्याल करें। इस वक्त कोरोना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। 45 वर्ष के ऊपर वालों को वैक्सीन टीकाकरण का मिशन चल रहा है। इस उम्र के दायरे में आने वाले सभी लोग घर से निकलकर जरूर से जरूर टीकाकरण का लाभ उठाएं। भारत सरकार को चाहिए कि टीकाकरण को लेकर तेजी से देश में टीकाकरण का अभियान और तेजी से कार्य करना चाहिए। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन सभी को मानना चाहिए और मुंह में मास्क लगाकर जरूर आप चलिए और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए और कुछ दूरियां बनाए रखना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरतें, मुंह में मास्क लगाकर चलें और आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और आप जो है दूरियां बनाए रखें। भारत भर में जिस तरह से कोरोना का कहर के साथ साथ सभी मानव को आज आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ रहा है। लोग पिछले साल से 2020 से ही और 2021 का जो पड़ाव रहा यह बहुत ही जो है दयनीय रहा और आज बहुत ही आम जनता, गरीब मजदूर एवं जो अपने घरों से छोड़कर दूसरे शहरों में रहकर खाने कमाने के उद्देश्य से रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशानी से जूझ रहे हैं। भारत सरकार एवं राज्यों की सरकारें गरीब सरकार, गरीब मजदूर और दूसरे शहर में रह रहे किराएदारों की भी समस्या को देखनी चाहिए सरकार को और वह जो है समस्या में उनका भी निदान करना चाहिए। कोरोना की इस वर्ष जिस तरह से वर्तमान लहर में प्रति बहुत ही जागरूक और सतर्कता रहने की ज़रूरत है। हम लोगों को इस समस्या को गंभीरता से अपने तरीके से लेना चाहिए और किसी भी तरह की बात का उपहास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस विषम परिस्थितियों को सबका जीवन अति महत्वपूर्ण और इसी उद्देश्य से जनसेवा और सरकारी आदेशों का पालन करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन जरूर पढ़नी चाहिए और ज़रूर सलाह माननी चाहिए। सभी लोगों को विशेष तौर से तरीके से पालन करना चाहिए, किसी भी तरह से अन्य दिशा में नहीं सोचना चाहिए। मेरा देश स्वच्छ और सुंदर हो, हमारे जो है सभी मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा उमंगता की एक आपको बताता हूँ। और आइए हम जानते हैं कोरोना की इस समस्या को कैसे निजात पाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता जी की एक वाणी आपको सुनना चाहिए, एक रिपोर्टिंग आप देखिए। आप सब लोगों से फिर समन्वय कोऑर्डिनेशन करने की एक अपील है। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है उसमें अब हम लोगों को बहुत ही सख्ती से, जागरूकता से, सतर्कता से अपने को, दूसरे लोगों को सजग करके रखना है। आप सब लोग जो है इस समय एक ही बात का ध्यान रखिए और वो बात है हमें अपने बचाव की, दूसरे के बचाव की और सबके स्वास्थ्य की। ये समय चर्चा का नहीं है, ये समय परिचर्चा का नहीं है, ये समय किसी के ऊपर दोष आरोपित करने का नहीं है, ये समय कोई राजनीति करने का नहीं है, ये समय कोई जो है उपहास करने का नहीं है। इस समय हमारा केवल एक ही काम है कि कैसे हम सबको स्वस्थ रख सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय हमारे देश में कोई भी इस तरह का टीका या संसाधन नहीं था, तब हम लोगों ने कोरोना की लड़ाई और उसको बचाव के साथ निकाल लिया था। अब तो हम लोग काफ़ी जानकार और जागरूक हो गए हैं, इसलिए इस दूसरी लहर के प्रति बहुत बड़ी जागरूकता लाने की है और इसमें किसी भी तरह का हमको ये नहीं दिखाना है कि ये किसी दूसरे विभाग का काम है या किसी दूसरे विभाग का काम है। इसमें सारे विभागों को मिलकर
समन्वय करके, कोऑर्डिनेशन करके, लाइजनिंग करके इस महामारी से सबको बचाना है, सबको बचा के रखना है, सबको सही सलाह देनी है और सब लोग जानकार भी हैं। केवल एक चीज़ जो है उससे हम लोग जो है थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं और वो चीज़ है हमारी जिम्मेदारी के प्रति गंभीरता ना होना। और इस गंभीरता ना होने के कारण हम लोग जो है आज के समय में भी बिना मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, हाथ धोने की बात नहीं रख रहे हैं, सैनिटाइजेशन करने की कोई बात नहीं रख रहे हैं, अपने को कैसे बाहर जाके भीड़ भाड़ इलाके में ना रहें, अपना जो बहुत आवश्यक काम है वो करें। ये सब चीज़ें जो है हमारी जो है केवल एक चीज़ को दर्शाती हैं, मानवता को, इंसानियत को। और ऐसा कोई विपत्ति नहीं, ऐसी कोई महामारी नहीं जहाँ पर इंसानियत नहीं जीती है। इंसानियत जीती है, मानवता जीती है, बशर्ते कि हम सब लोग एक साथ मिलकर इसके प्रति गंभीर हो जाएं। और बड़ी बड़ी जो है चीज़ों से इंसानियत जीत गई है, मानवता जीत गई है, तो इसमें भी अवश्य जीतेगी, बशर्ते कि हम सब लोगों का एक ही कर्तव्य है कि जागरूकता के साथ, सतर्कता के साथ, गंभीरता के साथ हम लोग जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं, जो भी हमारे जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, केंद्र सरकार या अन्य जो भी हमारी एजेंसियां जो इसके प्रति लगी हुई हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे हमारा अन्य कोई भी विभाग हो, वो सबका एक ही काम है कि हमें इस महामारी से बच के निकालना के प्रति वो लगे हुए हैं। और इसमें हम सब लोगों को सहयोग देना चाहिए। अभी हाल में ही हम लोगों का जो रात का कोरोना कर्फ्यू लगा है उसमें भी हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसके प्रति हम लोगों को वास्तव में सजग रहकर इस अवधि में अपने घर में रहने की बात करनी चाहिए और रहना भी चाहिए। अति आवश्यक कार्य के लिए हमारे जिला प्रशासन ने बहुत पहले ही और अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है जिला स्तर पर, थाने के स्तर से जो है शुरू कर रखी हैं। उनमें आप जो है इस चीज़ का अपना जो है बताकर सुविधा ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी सुविधा जो है वास्तविक हो, सही हो और इसको आप जो है उचित तरीके से रख कर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आप लोगों से एक बार अपील है, सारे देशवासियों से, कि जो है इस समय आप लोगों की जो ये दूसरी लहर है उसमें सतर्क होकर सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ सहयोग की भावना से कार्य करें। और जहां पर भी अगर चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, उस चीज़ को जो भी सरकार दिशा निर्देश दे रही है, जो भी प्रशासन जिला और अन्य राज्य जिला के जो प्रशासन हैं वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनको मानने की व्यवस्था रखिए। इसमें किसी भी तरह का यदि या और लगभग ऐसा आज की बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जिम्मेदार हैं और इस महामारी से बचने के लिए हम लोगों को अब सबको एक साथ मिलकर कार्य करना है। इसमें किसी भी तरह की बहस या किसी भी तरह की बातों में उलझना या उसको किसी भी तरह से गलत तरीके से सोशल मीडिया में प्रकट करना या जताना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से अपना समय व्यतीत करते हैं, उसमें इस तरह की रिपोर्ट देना जो है बहुत ही निगेटिव होता है और उनको ये सब पढ़कर सुनकर अपने में बड़ा ही एक अजीब सा लगता है। इसलिए सोशल मीडिया के लोगों से मेरी अपील है कि इस तरह की कोई भी निगेटिव चीज़ें ना दें, हरदम जो है पॉजिटिव चीज़ को रखें, हरदम जो है उच्च विचारों को रखें, अपनी सोच को ऊंचा रखें, जिससे कि वो लोग भी इस सब चीज़ों में अपने को अच्छे से रख सकें। केवल दवाई ही किसी चीज़ की एक जो है उपचार नहीं है। दवाई के अलावा अच्छी अच्छी बात करना, मुस्कराना, प्रसन्न रहना, किसी को प्रसन्न करना,
ये भी एक बहुत बड़ा दवाई का काम करती है और इसमें कई यूनिट खून बढ़ जाता है। हम लोग केवल खून देने लेने की बात करते हैं, अगर हम लोग एक ऐसी बात करें जिससे आदमी का मन प्रसन्न रहे, उसका बहुत सी बीमारियां, बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और ये समझ लीजिए कि उनको लगता है कोई फ्रेश या कोई नया बोतल का जो है एक यूनिट का खून चढ़ गया। तो हम सब लोगों को इन सब माध्यमों से अच्छी बात रखकर, अच्छी चीज़ों से सहयोग देके अपने को स्वस्थ रखना है, दूसरे को भी स्वस्थ रखना है और ऐसे ही सहयोग बनाकर रखना है। यही सब हम लोगों की एक प्रयास होना चाहिए और यही हम सब लोगों की एक सतर्कता, जागरूकता होनी चाहिए। आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सब लोग जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें और अपनी जीवन दिनचर्या को अच्छे से व्यतीत करें। आपका जो है परिवार सुखी रहे, आपके सब यार दोस्त मित्र रिश्तेदार सब सुखी रहें, यही जो है हमारी प्रार्थना और विनती है। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।